हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत दिनों के बाद एक छोटी सी क्लास क्लास नहीं कहेंगे, एक छोटी सी जानकारी के साथ हाजिर हैं। और ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, किसी वैकेंसी का, किसी नोटिफिकेशन का, तो ये जानकारी उन्हीं के लिए रहेगी। और सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है, हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ वो घबराएं नहीं, परेशान ना हो, सिलेक्शन तो मेहनत करने वालों का एक ना एक दिन हो ही जाता है। बस हमें धैर्य और सब्र रखने की ज़रूरत होती है कि जब भगवान सुनता है हमारी, तो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, हम उस पे कितना विश्वास कर रहे हैं। और जब नहीं सुनता तो हमारे सब्र की परीक्षा होती है। तो वही घड़ी है, अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब कि आपके सब्र की परीक्षा हो रही है। और आप इस समय जो है रोना धोना छोड़कर वापस से अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी है, आपको कल नोटिफिकेशन मिल गया होगा, पशु परिचर के पदों पर जो है भर्ती आई है। और इसके जो फॉर्म वगैरह है कब भरे जाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इसके फॉर्म जो है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये 10th बेस पे है। मतलब अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये 13 अक्टूबर को जो है ओपन हो जाएंगे इस भर्ती के फॉर्म, और 11 नवंबर तक चलेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको नेक्स्ट ईयर जो शुरुआती महीने होंगे, स्टार्टिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है इस चीज़ के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। और जो बच्चे अध्यापक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि इस एग्ज़ाम के साथ ही आपका जो है लगभग प्री का सिलेबस, रीट प्री का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 105 क्वेश्चन और 105 ही नंबर के होंगे, यानी इसमें जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था रीट मेंस का, उस तरीके से नहीं होगा। इसमें एक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, ठीक है। और पार्ट बी जो होगा उसमें 45 क्वेश्चन होंगे, यानी 30% सिलेबस होगा 45 नंबर का, और 45 ही क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 मार्क्स का जो है पूरा एग्ज़ाम रहेगा आपका। 3 घंटे समय आपको दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25, ठीक है। आपके एक एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 अंक कटेंगे, जैसे रिट मेंस में 0.33 कटे थे, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसके अंदर आपके एक गलत क्वेश्चन पे सही क्वेश्चन में से आपके 0.25 अंक जो है काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रत्येक प्रश्न का जो है एक नंबर मिलेगा, प्रत्येक सही प्रश्न का एक नंबर, और गलत के लिए आपके जो है 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। और इस मतलब एग्ज़ाम के अंदर आपको न्यूनतम, इसमें क्राइटेरिया रखा गया है 40% का, यानी पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स जो है लाने होंगे, ठीक है। और परीक्षा जो है इसका जो सिलेबस है उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो सेकेंडरी का रहेगा। मतलब ये 10th बेस पे है तो 10th तक का ही सिलेबस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो सिलेबस का क्राइटेरिया है वो 10th तक का ही रहेगा। कठिनाई स्तर जिसको बोलते हैं, टफ लेवल जिसको बोलते हैं, वो आपका 10th क्लास तक ही रहेगा। और पाठ्यक्रम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें आपका लगभग जो है रीट प्री का जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है। मेंस के अंदर भी बहुत आपका इसका जो सिलेबस है वो काम आने वाला है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, माध्यमिक स्तर, यहाँ पे माध्यमिक स्तर बोला है इन्होंने, के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, मतलब जो सामान्य साइंस होती है, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं वो वाली, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, संस्कृति, कला, और जो
समसामयिक विषय हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर मुद्दे जो करंट में चल रहे होते हैं ना वो इसके अंदर समाविष्ट किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन 105 क्वेश्चन रहेंगे 105 नंबर के इस एरिया से, ये पार्ट वन होगा आपके पेपर का। तो इस पार्ट के अंदर आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रीट मेंस और प्री दोनों के लिए। प्री में आपके मैथ्स रहता है ना, सामाजिक अध्ययन मतलब ईवीएस रहता है, तो मेंस में पूरा संस्कृति कला इतिहास सब कुछ रहता है, गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन भी रहता है, समसामयिक विषय भी रहते हैं। तो एक तरह से आप दो एग्ज़ाम को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके पार्ट बी के अंदर जिसमें 30% सिलेबस यानी 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके जैसा कि इस जो इस भर्ती का नाम ही पशु परिचर है, तो पशुओं के अबाउट जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, ये मैं यहाँ रीड नहीं करूँगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला पार्ट आप पूरा छोड़ भी देना अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ रीट मेंस पे फोकस करना है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप इसका पार्ट ए जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करें, पार्ट बी को जैसे कई जो टॉपिक है हमारे पार्ट जैसे संस्कृति के अंदर कला इतिहास और भूगोल अगर पढ़ते हैं, और राजस्थान के संदर्भ में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पशुओं के बारे में भी हमें जानकारी रहती ही है, तो 10-12 नंबर आपके वहाँ से निकल जाएंगे पार्ट बी के सिलेबस में से। तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरा सिलेबस कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए कि मैं इतना करूँगा या करूँगी। आप इसका पार्ट वन देखें, पार्ट वन आपका प्री और मेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अब आप थोड़े नंबरों से रहे हैं तो जनरल सी बात है कि अगर आप दो गुना फाइट कर रहे हैं तो आपने अच्छे से तैयारी ज़रूर की है, तो वो चीज़ें आपको अब भी याद रही हैं और उन चीज़ों को अब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है अगर आप थोड़ा सा ध्यान और लगा लें, पहले पार्ट को बहुत ही अच्छे से दोबारा से कवर कर लें। सेकंड पार्ट को आप थोड़ा सा मिस भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत टॉपिक जो आपको याद हों इसके अंदर जैसे पशु गणना है, ये तो हमारे मेंस में भी आती है, तो इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये पेपर जो है रीट मेंस के बच्चे जो पहले दो गुना में सिलेक्ट हो चुके हैं, एक गुना में जिनका नहीं वो किसी कारणवश रह गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट जो मौका है, और एग्ज़ाम भी ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, जनवरी तक आराम से ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए फ़िलहाल प्रिपेयर करें। और ऐसा भी होता है कि हमें कोई भी भर्ती जो है मोटिवेट करती है हमारे स्टडी रूटीन के लिए, तो अभी जो है ये भर्ती आपके सामने है, आपका स्टडी रूटीन बनेगा। आप एग्ज़ाम देते हैं नहीं देते हैं, आप इसमें लगना चाहते हैं नहीं लगना चाहते हैं, वो बाद की बातें हैं, एक स्टडी रूटीन होना बहुत ही आवश्यक होता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं छोटा सा किस्सा अपना बता देती हूँ, 2022 के अंदर जब तक हमारा थर्ड ग्रेड का सिलेबस नहीं आया था तब तक सेकंड ग्रेड जिसके बारे में मुझे जो है ABCD भी नहीं पता थी, क्या सिलेबस होता है, कहाँ से मैं कोर्स लूँ, कैसी टेस्ट सीरीज़ लूँ, किस तरीके की बुक्स मैं यूज़ करूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी मैंने उस जो सेकंड ग्रेड को आँख बंद करके प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, बुक्स भी खरीद ली उसके लिए, कोर्स भी खरीद लिया कि फ्री नहीं बैठना, कुछ तो करना है। मतलब एक बार सिलेबस जो सिलेक्शन है बिल्कुल पास आके रह गया था 2021 में, तो ये मन में था कि बस कुछ करना है, चाहे सेकंड ग्रेड में मेरा हो ना हो लेकिन मुझे प्रिपेयर करना है इसके लिए, फ्री नहीं बैठना, ठीक है। और मैंने भगवान पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और 6 महीने बाद में जब मैंने GK यानी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर बहुत ही अच्छे से जब मैंने प्रिपेयर कर लिया ना, उस टाइम आया थर्ड ग्रेड का सिलेबस। तो उस सिलेबस को उस दिन जब मैंने देखा ना, तो मुझे यूँ लगा कि रीट मेंस जो है मेरी मुट्ठी में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस और थर्ड ग्रेड का सिलेबस बिल्कुल सेम था, मतलब 80-90% सेम था, और इतना ही मुझे करना था। मैं 100% सिलेबस कभी नहीं करती कवर,
ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए अभी बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो। और अगर आप बाद में इसको छोड़ भी देते हैं, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देते हैं उसमें लगना चाहते हैं, तो भी ये सिलेबस आपको आगे काम आएगा। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं, जो किसी किसी ना किसी वजह से रह गए हैं इस बार, तो आपके लिए अच्छा मौका है। लगे रहिए मेहनत में, एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज़ का। मैंने भी स्ट्रगल किया है और आज मैं सफल हूँ। और बिल्कुल सेल्फ स्टडी से, किसी कोर्स को मैंने कभी नहीं ख़रीदा, किसी कोचिंग में मैंने कभी नहीं जो है कोचिंग में जाने का सोचा, कभी भी नहीं किसी भी कोचिंग से। हाँ, मेंटरशिप रही है मेरे पास अच्छे अच्छे टीचर्स की, लेकिन मैंने कभी उनका कोर्स भी नहीं ख़रीदा। तो अपनी अपना डिसीज़न होता है, अपनी मेहनत पे विश्वास करके हम किसी भी चीज़ को करना शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से कहूँगी, आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपनी स्टडी रूटीन बनाने का। तो बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए थर्ड ग्रेड के लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रही थी, अब उस स्ट्रगल से बाहर आ चुकी हूँ। आप भी एक दिन ज़रूर आ जाएंगे, आप मुझे अपना साथी, अपना जो है हितेशी मानकर मेरे से जो भी क्वेरी आपकी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बुक्स के अबाउट, स्टडी रूटीन के अबाउट, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसके अबाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।